मॉर्निंग बस दीपक, कैसे हो दीपक? बढ़िया हूँ सर। सर कहाँ से हैं? कुछ बताएंगे अपने बारे में दीपक? सर सर रीवा भोपाल से हूँ सर। अच्छा, और क्या क्वालिफिकेशन क्या है दीपक आपकी? डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग प्लस बी रनिंग में है सर। अच्छा, तो अभी आप तो किसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर लग रहे हो, या सर क्या करते क्या आप? सर एसटीपी प्रोजेक्ट है सर। कौन सा? एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सर बन वेरी गुड रहा है। यार, मैं आपको लाइव दिखाना चाहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहेंगे हम एसटीपी प्रोजेक्ट। हम भी अपने कोर्स में इंक्लूड कर रहे हैं एसटीपी प्रोजेक्ट को। ये सर SBR बन रहा है। ये हाँ इतना बड़ा 18 MLD का सर ये SBR है। उधर वो ओके, PTU है जिस बिल्डिंग में हम सर चढ़े हुए हैं। एडमिन बिल्डिंग है। उधर फ्लज सम्प है सर और इसका उधर फ्लज क्लैरिफायर वगैरह थिकनर है किधर है? सर। क्लैरिफायर, डी वॉल, डी सिल्टिंग चैम्बर वगैरह ये किधर है? सर ये इधर है ये साइड। इधर साइड अभी कंस्ट्रक्शन नहीं है ना सर। इधर साइड हाँ ये स्लज सम सीसीटी क्लोरीनेशन टैंक इधर बनेगा। हाँ इनलेट सर उधर है अच्छा, पीटीयू साइड वो इनलेट जो उधर बिल्डिंग है में और ऊपर क्लैरिफायर उठी किधर है? क्या वो जिसमें पानी रिफाइनरी होता है सर। हाँ, क्लैरिफाइड जो सर्कुलर गोल 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 होता है ना, गोल गोल टैंक। स्लज थिकनर सर हाँ, थिकनर बोलते हैं, स्लज थिकनर या क्लैरिफायर भी बोलते हैं उसको। स्लज थिकनर सर ये है ये सर्किल वाला सर ये इसके बगल में स्लज सम्प के बगल में सर पीछे दिख रहा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ये है सर। ये स्लज सम्प अच्छा है इसमें डोजिंग टैंक भी है। ये एडमिन बिल्डिंग है यहाँ से ऑपरेट होगा सर। अच्छा जी, और कितने कितने यस सर इसका इसका कैपेसिटी क्या है? 18 MLD है सर। 18 ML/D है। ओके, तो जी आप सर। कितने टाइम से काम कर रहे हैं इसमें? सर मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। अदरवाइज सर अभी स्ट्रक्चर में पहली बार आया हूँ। इसके पहले सर इसमें सर लाइन लेइंग का काम भी चलता था। जैसे 450 किलोमीटर इसका नेटवर्क डालना पड़ता था और हाउस कनेक्शन इसमें रहता था सर। कहाँ से कहाँ तक है ये? कहाँ का ट्रीटमेंट करेगा? कौन से एरिया का है इसमें? सर ये पूरे भोपाल का है। अभी करंट में मैं इचल करंजी आया हूँ पुणे महाराष्ट्र कोल्हापुर के पास से सर। ये जो अच्छा, नया बनाने आया हूँ ओके भोपाल में ओके, सर हमने कम से कम 20 STP बनाया सर। लेकिन STP पे मैं था नहीं मैं उतना ध्यान नहीं दिया था सर। नेटवर्किंग इंजीनियर में था मैं उसमें। अच्छा। और ये 18 MLD वाले में सर मैं पहली बार आया हूँ चलो, आपका बहुत इसको बहुत बना रहे स्वागत है हैं। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की लाइव क्लासेस के अंदर। और धन्यवाद जैसे कि सर। हाँ, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है अपने स्विमिंग की स्किल्स को जो है इम्प्रूव करने का मौका देते हैं। आपको कहाँ डिफिकल्टी आती है? आपने क्लासेस क्या सोच के ज्वाइन किया है? सर जब खाली टाइम हम बैठते थे तो सर यूट्यूब या टिकटॉक देखा करते थे तो हमने आपका चैनल देखा सर। उसमें मैं सोचा कि जो हम ये यूट्यूब और ये टिकटॉक या मूवी अदरवाइज जो हम देख के अपना टाइम स्पेंड करते थे सर तो हम सोचे कि अगर आपकी क्लास ज्वाइन हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको कुछ बेनिफिट मिलेगा कुछ और हमारी स्किल में इम्प्रूवमेंट होगा। इसके लिए सर मैंने जी ज्वाइन किया सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है आपका। जैसे जैसे सर मैं एक्सेल और BBS सपोज करिए कि मैं बाई राइटिंग में बना लेता हूँ लेकिन सर एक्सेल में बनाने में कभी कभी तकलीफ होती है और अदरवाइज थोड़ी दिक्कतें होती हैं। इसके लिए सर वो सभी स्किल को मजबूत करने के लिए सर मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया सर। आज तो संडे, आज छुट्टी नहीं है आपकी? सर संडे का एक्स्ट्रा पेमेंट रहता है। जैसे 4 संडे छुट्टी रहती है अगर आप संडे को साइड में आएंगे तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट पेमेंट मिलेगा सर। इसके लिए चलो 4 संडे बढ़िया, हम कभी 365 के 365 दिन वर्किंग डे में ही रहते हैं। इधर आने घर रूम पे रहेंगे भी घर में रहेंगे भी तो कोई मतलब तो निकलता नहीं। सही बात है। जब तक घर से दूर हो तो फिर रूम पे रहो चाहे और साइड पे रहो, बात तो एक ही है। हाँ, घर पे या हो, सर तो प्रॉपर हम घर पे हो सोचे तो ठीक है। बिल्कुल और अगर ऐसे कुछ जरूरत पड़ी तो सर जा भी सकते हैं। बिल्कुल कोई बिल्कुल दिक्कत विवेक, है नहीं। आपका कैमरा ऑफ है, ऑन करेंगे? ठीक है,